बच्चों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। आप लोगों का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है, केवल बोलना है आप लोगों को, और 2-3 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे है विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत, द्विचत्वारिंशत, चतुर्विंशति, त्रयत्रिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्। जैसे चतुर्विंशति, त्रयत्रिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। इस प्रकार जो है आप लोग 2-1 बार उच्चारण करेंगे तो ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का, दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आप लोगों को। जैसे है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर पर सारी सुख सुविधा के सामान थे। तो देखेंगे यहाँ आप लोगों का आंसर है श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के घर में सर्वविधान सुख साधनानि आसन, अनेकों प्रकार के सुख साधन थे। अगला कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो कृष्ण मूर्ते है गृहे कर्मकरा या भृत्य न अस्ति, मतलब कर्मकरा या भृत्य दोनों में से एक है, कि मतलब उसके कृष्ण मूर्ति के घर पर भृत्य या नौकर नहीं थे। अगला है कस्य गृहे को थर्ड है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते पितरौ अकुर्वन, पितरौ माने माता पिता, पितरौ मीन्स क्या होता है, ये माता पिता है। तो श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया। अगला है सर्वदा कुत्र सुखम, सुख कहाँ है, हमेशा सुख कहाँ है, तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन अपने परिश्रम से ही सुख मिलता है। अगला है श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहे कदा आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। तो श्रीकंठ है कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 आया। अगला है कृष्णमूर्ति कति कर्मा कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे या कृष्णमूर्ति के कितने सेवक थे। तो कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का चित्राणि गणित्वा तद अध संख्यावाचक शब्दम लिखत, देखिए चित्राणि गणित्वा चित्रों को गिनकर, तद अध माने उनके नीचे, अध माने नीचे, संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। ये आपका पाठ ही संख्यावाचक है, इतनी संख्याओं को ही लिखना है। तो जैसे देखेंगे इसमें घड़े हैं, आम है, गेंद है, मोमबत्ती है, कील है और पत्ते हैं, तो इनको देखेंगे। तो यह है आप लोगों का पहला है, देखिए तो घड़े हैं, तो देखेंगे अष्टदश घट है, अष्टादश घट घट है, तो देखिए 18 घड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसलिए ये 18 घड़े हैं। तो इसको क्या लिखा जाता है, अष्टादश घट है। आमों की संख्या गिननी है, 21 आम है, तो एक विंशति। अगला है गेंद है, 15 गेंद है, तो पंच दश,
ये देखेंगे ये सिक्त वर्तिका है, मोमबत्ती है, तो इसको जो है षट त्रिंशत मतलब 36 मोमबत्तियाँ हैं। अगला देखेंगे ये कील है तो चतुर्विंशति 24 कीलें हैं, कितनी हैं 24 कील हैं। ये देखे ये पत्ते हैं, पत्ते कितने हैं 33 पत्ते हैं। इस प्रकार देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का है कि मंजूषातः अंका नाम कृते पदान चिन्हित, कोष्टक से अंकों के पदों के चिन्हना है आप लोगों को। जैसे ये अंक के पद दिए हुए हैं आप लोगों को इन्हीं कोष्टक में जो दिया है, चत्वारिंशत, सप्तविंशति, एक त्रिंशति, पंचाशत, अष्टा, देखिए अष्टविंशति, इनको क्या करना है आप लोगों को गिनना है। गिन के जो है जहाँ लिखा हुआ है जो अंक, अंकों के सामने उनको लिखना है। तो देखिए पहले कितना है 28 है, 28 है, तो ये क्या हो जाएगा अष्टाविंशति, क्या लिखा जाएगा अष्टाविंशति। अगला है 27, 27 है, इसको संस्कृत में कितना कहते हैं सप्तविंशति, कितना कहा जाता है सप्तविंशति। अगला 30 है, 30 है, इसको कितना क्या कहा जाता है त्रिंशत, क्या कहा जाता है त्रिंशत। अगला देखिए 31 है तो एक त्रिंशत, कितना है एक त्रिंशत। 24 है तो चतुर्विंशति। 40 है तो चत्वारिंशत, 40 है तो कितना लिखा जाएगा चत्वारिंशत। 50 पंचाशत, इस प्रकार जो है ये 50 है तो कितना हो जाएगा पंचाशत। अगला देखेंगे 5 क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदां च प्रयुज्य वाक्यान रचयति। देखेंगे कह रहे हैं चित्र दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, मंजूषातः माने कोष्टक में जो ये पद दिए गए हैं इनको प्रयुज्य माने जोड़कर वाक्यान रचयति, वाक्यों की रचना करनी है, इन पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करनी है। जैसे आप लोग देखेंगे कृषिका कृषकौ ये ते धान्यम ये स कृषका ये तौ क्षेत्रम करसत कुरत खनन कार्यम रूपेत, तो इसको जो है लिखना है। तो देखेंगे एक वाक्य लिखेंगे तो कहते हैं ये स है कृषक क्षेत्रम करसती, ये स है कृषक क्षेत्रम करसती। अगला सेकंड हो जाएगा ए तौ कृषकौ खनन कार्यम कुरत, ए ते कृषका धान्यम रोपयति, ये से ए ते कृषका धान्यम रोपयन्ति। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये 5th क्वेश्चन हुआ, दैट्स ऑल, धन्यवाद।